हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है साइंस, इसकी वर्कशीट नंबर 4 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 27 जुलाई 2021। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, चलिए देखते हैं। वी सी अ लॉट ऑफ चेंजेस अकरिंग इन आवर डेली लाइफ लाइक बर्निंग, रस्टिंग, इवेपोरेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखते हैं जो होते हैं, जैसे बर्निंग, रस्टिंग, इवेपोरेशन एक्सेट्रा। अब जो ये सारे चेंजेस होते हैं ना, ये दो तरीके के चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस इसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं और कुछ चेंजेस इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों ही होता है। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है। देखो, सबसे पहले जानते हैं फिजिकल चेंज होता क्या है। दोज चेंजेस इन विच देयर आर चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस सच एज शेप, साइज, कलर और स्टेट आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। इन दिस चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कह रहे वो सारे चेंजेस जिसमें सिर्फ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे किसी का शेप चेंज हो जाए, किसी का साइज चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए या फिर स्टेट चेंज हो जाए, कोई नया सब्सटेंस फिजिकल चेंज में फॉर्म्ड नहीं होता। जैसे टियरिंग ऑफ पेपर, अगर आपने एक पेपर को बीच में से फाड़ दिया तो पहले क्या था, वो बड़ा पेपर था, अब छोटा हो गया, साइज चेंज हो गया उसका। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया तो उसका क्या हुआ, यहाँ पर आपका स्टेट चेंज हो गया। ठीक है ना, सॉलिड से वो लिक्विड हो गई है और कुछ नहीं हुआ। तो जिन भी चेंजेस में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे शेप, साइज, कलर और स्टेट चेंज होता है, वो सब होते हैं हमारे फिजिकल चेंज। और इन चेंजेस में कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, टियरिंग ऑफ पेपर है जैसे, यही मेल्टिंग ऑफ आइस है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू स्टीम है। ठीक है, जब हम पानी गर्म करते हैं तो वो भाप बन के जाता है ना ऊपर, तो उसमें क्या है, आपका सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता है फिजिकल चेंज में। क्लियर। सेकेंड है आपके पास केमिकल चेंज। दोज चेंजेस इन विच वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा कोई भी एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे इन दिस चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। एग्जाम्पल दे तो हम आपको बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस लाइक वुड और मैग्नीशियम रिबन, रस्टिंग ऑफ आयरन, इन सब में क्या होता है, हमारे को एक नया सब्सटेंस मिलता है। जब हम कुछ चीज बर्न करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, राख ऐसी जमें मिलेंगी मिलेंगी ना, तो क्या है हमारा केमिकल चेंज। तो जिस भी चेंज में एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, एक या एक से ज्यादा, वो सब क्या होते हैं, हमारे केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज है, अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉलोइंग इवेंट में अकर लाइक सब्सटेंस, तो फॉर्म होता ही होता है केमिकल चेंज में, लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या चीजें होती हैं, रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। देखो, अगर आप ऐसे लकड़ी जलाओगे तो हीट और लाइट है ना, रिलीज ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, हीट और लाइट के फॉर्म में। कई बार ऐसा होता है साउंड प्रोड्यूस होती है, तो प्रोटेक्शन ऑफ साउंड, कलर चेंज हो जाता है कई बार, स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है, चेंज इन कलर और स्मेल ऑफ अ सब्सटेंस, तो नया सब्सटेंस तो फॉर्म होता ही होता है, उसके साथ ये सारी चीजें भी होती हैं, जैसे हीट एंड लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होना, साउंड प्रोड्यूस होना, कलर चेंज होना, स्मेल ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर है, ये कुछ एग्जांपल्स आपको केमिकल चेंज के दे रखे हैं। चलिए, तीन क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिए, बहुत आसान आसान। फर्स्ट में आपसे कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। आपको यहाँ पर दे रखा है जैसे बर्निंग ऑफ कोल, ये एक है, बताओ फिजिकल है या केमिकल चेंज है। तो जब आप कोल को बर्न करोगे तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, इसलिए ये हमारे पास कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाना अगर खराब हो जाता है तो खराब होने के बाद भी खाने के कुछ जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाते हैं ना, पर खाना जो है एक दूसरी फॉर्म में आ जाता है, एक नई फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। कटिंग ऑफ वुड, अगर आप किसी भी वुड को कट करते हो तो आप उसका सिर्फ शेप और साइज को ही तो चेंज कर रहे हो, है ना, पर वो रहेगी तो वुड ही, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। उसके बाद है इन्फ्लेटिंग अ बैलून, अगर आप एक बैलून को फुला रहे हो तो वो रहेगा तो बैलून ही, कोई नया सब्सटेंस तो उसमें फॉर्म नहीं होगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल चेंज। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर वन। चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है राइट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, आपको डिफरेंस लिखना है फिजिकल और केमिकल चेंज में। देखो, आपका वो आंसर यही मिल जाएगा, मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ, आप अपनी वर्कशीट से ही लिख लीजिएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है,
और केमिकल चेंज में आप कहाँ तक लिखना, यहाँ तक लिखना, सेकेंड पॉइंट तक, ये पूरा लिखना, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करना, आप दो या तीन एग्जाम्पल यहाँ से लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिखने जरूरी है। जैसे आपने देखो फिजिकल चेंज में भी हमने मार्क किया है एग्जाम्पल, ऐसे ही आप केमिकल चेंज में भी एग्जाम्पल लिखोगे। आप चाहो तो ये वाले एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, बर्निंग ऑफ कोल, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, और जो यहाँ पर दे रखे हैं वर्कशीट में वो भी लिख सकते। क्लियर हो गया आंसर नंबर टू कहाँ से कहाँ तक लिखना है? तो फिजिकल चेंज में एक पॉइंट ये लिखना है आपको, सेकंड पॉइंट ये लिखना है, और थर्ड पॉइंट ये लिखना है। केमिकल चेंज में फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है आपको, सेकंड पॉइंट आपको ये लिखना है, और थर्ड पॉइंट में आपको एग्जाम्पल लिखना है। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ चेंज विल टेक प्लेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल? अगर आप एक कैंडल को बर्न करते हो तो कौन सा चेंज आएगा, फिजिकल या केमिकल? देखो जब भी हम एक कैंडल बर्न करते हैं ना, तो दोनों चेंजेस होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी, क्योंकि जब उसका वैक्स, पहले उसका वैक्स जो है वो मेल्ट होता है, तो वो फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्मड नहीं होता। लेकिन जब उसका वैक्स बर्न होता है तो वेपर निकलता है ना, वैक्स बर्न ऐसा कहता है वेपर, तो वो क्या हो जाता है आपका, केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप एक कैंडल को बर्न करते हो तो दोनों ही चेंजेस होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये छोटी सी वर्कशीट थी साइंस की, वर्कशीट नंबर फोर जो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब साइंस की वर्कशीट नंबर फाइव जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।